हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैसेट। गाइस, शाहरुख खान सर की मच मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी जवान के लिए कितना मोस्ट हाइप्ड देखने को मिल रहा है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसके ट्रेलर का वेट कर रहे हैं, रमैया अवस्था भैया सॉन्ग का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनफ मूवी की टीम गाइस कुछ भी शेयर नहीं कर रही है। और काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, केवी भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, मनन भाई, त्रिपुल भाई, और अपने वन उनका जो नाम है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। गाइस, ऐसे काफी मेरे भाई लोग हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हर्ष भाई आज इसका ऑफिशियल ट्रेलर आना है क्या, यानी कि जवान मूवी का, क्योंकि कल करण जौहर ने काफी बड़ा मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है इसके ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। तो अपन सबके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ट्रेलर का क्या सीन है, क्या आज आने वाला है, जिसका वेट मैं भी कर रहा हूं, आप सब कर रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं गाइस आप ही के लिए। तो चलिए जानते हैं गाइस, कल ही की बात है, आप मानेंगे नहीं, कल ही रात ने करण जौहर, जो कि भाई साहब धर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धरता है, उन्होंने कल ये ऑफिशियल ट्रेलर देखा है यानी जवान मूवी का। उसी के साथ साथ उन्होंने नहीं, काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने देखा, मतलब कि इतना मुझे ज्यादा लोगों के तो नाम नहीं पता है, लेकिन आटले कुमार सर ने भी देखा, विद करण जौहर सर ने भी देखा। लेकिन उन्होंने जब उसका ऑफिशियल ट्रेलर देखा ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भाई साहब रिव्यू दिया ना भाई, वो रिव्यू नहीं तोड़ के रख दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि करण जौहर सर ने इतना तगड़ा रिव्यू दिया है तो मतलब पता नहीं क्या ही ब्लास्ट होने वाला है। उन्होंने जो कहा है, आई जस्ट सॉ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। आप समझ रहे हैं करण, मतलब कि यार करण जौहर सर इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हैं जवान के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। अब ये ऑफिशियल ट्रेलर कहां पर देखा गाइस, मैं ऑफिशियली लेवल की बात कर रहा हूं, ये जो ऑफिशियल उन्होंने ट्रेलर देखा है कहां पर, जो एटले कुमार सर जो कि डायरेक्टर हैं जवान मूवी के, और करण जौहर सर ने जो ये मतलब ट्रेलर देखा ना, तो रेड चिलीज के ऑफिस में देखा। अभी रेड चिलीज का ऑफिस पता कहां पर है, सेंटा क्रूज, जो कि अपने मुंबई में है। और भाई साहब अब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ऑलमोस्ट मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा हूं, आपको मेरी बातों से ही समझ में आ रहा होगा। तो अब जो भी जितने भी लोग बोल रहे हैं कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाने वाला है, तो मैं भी गाइस कभी भी आ जाए, हम तो बैठे हुए हैं दिल बाहें खोल कर बैठे हुए हैं। और गाइस आप लोगों को एक डायलॉग तो पता ही होगा कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बिल्कुल गाइस कभी भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है, ट्रेलर रिवील हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेड चिलीज का काम करने का तरीका है ना, मतलब कि डू या डाई वाला है, कर जा या मर जा वाला काम धाम है, और भाई साहब यूट्यूब को फाड़ के रखने वाला है। गाइस आज जब भी आए हम बाहें खोल कर बैठे हुए, हो सकता है अभी आ जाए अनाउंसमेंट, या वीडियो पोस्ट होने के बाद आ जाए, या फिर इवनिंग तक आ जाए, मोस्टली आफ्टरनून तक आए, कभी भी आ जाए, हम सब काम करते हुए नजर आएंगे जवान के ऊपर, जो कि काफी जल्दी दिखाई देने वाला है। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं जवान के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके क्या ओपिनियन है। करण जौहर सर ने जो इसके रिव्यू दिए स्टेटमेंट पे, बकायदा इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, और आपको क्या लगता है कब तक ऑफिशियल ट्रेलर का अनाउंसमेंट हो सकता है, कब तक आ सकता है, अपना ओपिनियन भाई कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, प्यार गुस्सा सब बारिश कर दीजिए भाइयों। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।